अब साथ ताकि आप लोगों को कल जो किया उसको रिकॉल हो जाए, ठीक है। टॉपिक मेरे पास को मैं डेरिवेटिव हाँ जी वी विल डू द क्वेश्चन। सपोज मेरे पास को है y इज इक्वल टू sin x स्क्वायर इनटू जो है मेरे पास x क्लियर कट बेटा ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है ना मेरे पास, फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो मेरे पास डेरिवेटिव होगी तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। अब जब मैं सेकंड का डेरिवेटिव लूंगी tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर प्लस मेरे पास वो है सेकंड फंक्शन एज इट इज, अगर मैं देखूंगी तो वो tan x इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब मैं जब फर्स्ट लगा दूंगी तो बेटा ये कैसी फॉर्म में है, sin x की फॉर्म में है मेरे पास। तो क्या करेंगे यहाँ पर sin x तो मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर cos x, पर x नहीं है cos x स्क्वायर है cos x इनटू, ओके बेटा क्लियर टू एवरीवन। तो अब बेटा हम लोग क्या करेंगे मेरे पास में, ठीक है, इसको सिंपलीफाई करना करो नहीं करना ना करो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो बेटा आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना किसी को भी, चले चलो लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर टू मेरे पास आप देखिए y इक्वल टू e पावर x sin x। अब बताओ मुझे कैसे करेंगे y इज इक्वल टू, ओके दिव्यांशी, यस दिव्यांशी, हाँ जी बेटा। मैम पहले e sin x, x sin x का e जो है वो as it is आ जाएगा और फिर x sin x का derivative ले लेंगे। बिल्कुल, x sin x का derivative कैसे आएगा? मैम पहले हम x का लेंगे product rule से फिर sin x का लेंगे। Yes, product rule like first as it is derivative of sin x plus sin x मैम आप माइक कनेक्ट कर लो प्लीज, आवाज लो आ रही है। ओके ओके बेटा, अब बेटा हम क्या करेंगे नेक्स्ट सम करते हैं हम लोग, ओके वी विल डू द नेक्स्ट सम रिलेटेड विद दैट। चलिए अब अगर मेरे पास ऐसे होता y इक्वल टू जो है tan के अंदर e पावर sin x माइनस cos x, देखिए लेट मी शो यू द स्टेटमेंट। ये अब क्या करेंगे कौन बताएगा मुझे, अरे अब हु विल टेल मी, ओके जतिन दैट्स गुड, यस जतिन, यस जतिन अनम्यूट योरसेल्फ। और कोई बच्चा, और कोई स्टूडेंट बेटा हु इज एबल टू टेल मी एक्सेप्ट दिव्यांशी, दिव्यांशी बता चुकी है मुझे आ गई। चलो अर्शदीप, यस मैम, हाँ जी जतिन, चलिए बताइए जतिन कैसे करेंगे। मैम पहले tan e रेज टू पावर sin x माइनस cos x को x मान लेंगे, हाँ जी, और tan x का डेरिवेटिव ले लेंगे। क्या होता है tan x का डेरिवेटिव? secant square x, ओके secant square e पावर sin x माइनस cos x कर दिया बेटा। उसके बाद e पावर x e की पावर sin x माइनस cos x का डेरिवेटिव लेंगे, हां जी वो क्या होगा e, ये मैंने ऐसे कैसे लिख दिया इसका डेरिवेटिव ले लो, इस पहले e पावर secant square x into e पावर sin x माइनस cos x into
कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। हाँ जी मैं आपको बताती हूँ, देखिए e पावर x का डेरिवेटिव मेरे पास जो है e पावर x और e पावर साइन एक्स। हाँ जी तो ये e पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साथ में इसका डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव कॉस कॉस और कॉस का डेरिवेटिव माइनस माइनस साइन एक्स ये प्लस हो जाएगा। दिस इज माय आंसर। वेरी गुड जतन, सबको बात समझ आई बेटा? एनी डाउट टू एनी वन? ठीक है बेटा, ध्यान से करो, आपको समझ आएगी। यू नीड अ प्रैक्टिस और कुछ नहीं है, बस यू नीड अ प्रैक्टिस। ठीक है बेटा जी, चलो नेक्स्ट करते हैं। y इज इक्वल टू x साइन x ओवर cos x माइनस tan x। चलिए बताइए, हु विल टेल मी हाउ टू डू दिस? जतिन की टर्न हो गई है, दिव्यांशी की टर्न हो गई है, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी। ओके समृद्धि, यस दैट्स स्पिरिट। चलिए बेटा समृद्धि बताइए। मैम डिनोमिनेटर में हम स्क्वायर कर देंगे cos x माइनस tan x का स्क्वायर। जी मैम, फिर डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाकर हम x sin x का डेरिवेटिव माइनस, फिर हाँ जी x sin x का डेरिवेटिव माइनस cos x माइनस tan x का डेरिवेटिव इनटू x sin x। वेरी गुड, cos x माइनस tan x का डेरिवेटिव इनटू x sin x। अब बेटा आगे कीजिए, cos x माइनस tan x इनटू अब इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे समृद्धि? x का डेरिवेटिव 1 होता है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे यहाँ पर भी। यस, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा u into v। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x 1 और फिर माइनस मेरे पास हुआ इसका डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव sin x माइनस secant square x into x sin x और नीचे एज इट इज cos x माइनस tan x का स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट्स ओपन कर लीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर। ओके क्लियर बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को भी? सबको समझ आ गया? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। आज अब डेरिवेटिव इतना पक्का होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए किसी का गलत नहीं होना चाहिए। सबने डेरिवेटिव जो मैंने टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस डाले इतना कराने के बावजूद मिस्टेक्स की हुई। आई एम नॉट हैप्पी, कॉन्टिन्यूटी इतनी बार करवाई फिर भी वो गलत ही गलत है। ओके जी तो ध्यान से बेटा जरा करो, लेट अस सी। हाँ जी क्या करेंगे अब यहाँ पर देखो, अगर मेरे पास हो गए डेरिवेटिव, हाउ टू डू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टेन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ओवर जो है secant x प्लस log x। जल्दी जल्दी अब आप करोगे एंड शो मी योर शेयर योर स्क्रीन। ओके यू जस्ट हैव टू शो मी ऑन योर स्क्रीन, आई विल शेयर इट विद द अदर स्टूडेंट्स एंड चेक इट। जल्दी जल्दी बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी कीजिए बेटा। एनीबॉडी हु हैज डन द फर्स्ट और डूइंग इट? चलो अर्शदीप की कॉपी देखते हैं कि व्हाट ही हैज डन।
this as it is, then derivative of tan is secant k plus 2x minus, okay, then secant x tan x. Very good, Ashleigh, that is 100% correct. चलिए काव्या की कॉपी देखते हैं. काव्या काव्या शो मी योर कॉपी बेटा, शो मी योर पेज. थोड़ा पीछे कीजिए. नो काव्या, क्वेश्चन रूल लगेगा बेटा. यू ओवर वी फॉर्म है, क्वेश्चन रूल लगेगा बेटा, आपने गलत किया है. चलिए रिद्धि की देखते हैं. बेटा log x का डेरिवेटिव 1 by x नहीं लिखा आपने रिद्धि, सेकंड ब्रैकेट में नेगेटिव से पहले log x का डेरिवेटिव 1 by x, यू हैव टू राइट देयर. यस समृद्धि बेटा, यस समृद्धि, हाँ जी समृद्धि, यस बेटा अनम्यूट योर सेल्फ. ओके यू वॉन्ट टू शो मी, यस देखते हैं. हिमा लाइटनिंग प्रॉपर नहीं है बेटा, मुझे विजिबल नहीं हो रहा अच्छी तरह. आप कोई बात नहीं मैच कीजिए, ठीक है. मैं बाकी बच्चों का हिमांशु का देख रही हूँ. हिमांशु ने किया दिस एज इट इज सेकंड स्क्वायर प्लस 2x माइनस. हिमांशु थोड़ा अपने राइट पे कीजिए हिमांशु कॉपी को, मुझे पूरा सम नहीं नजर हो रहा. अपने राइट पे बेटा, अपनी राइट हैंड की तरफ सेकंड एक्स, यस लास्ट में जहां फिंगर है आपकी राइट है, लेफ्ट हैंड साइड पे, वो मुझे विजिबल नहीं है. बेटा सेकंड एक्स का डेरिवेटिव सेकंड एक्स टैन एक्स होता है, आपने नहीं लिखा हिमांशु, सही कीजिए उसको, करेक्ट नहीं है आप लोगों का. ध्यान से कीजिए जो मिस्टेक्स बताई है. नाउ डू द नेक्स्ट बेटा. अर्शदीप का बिल्कुल करेक्ट था, मैं दोबारा शेयर करवा देती हूँ. अर्शदीप शो मी योर क्वेश्चन बेटा. देखिए सारे बच्चे अर्शदीप का क्वेश्चन नंबर जो गए ये वाला बिल्कुल करेक्ट है, 100% करेक्ट है. मैच कीजिए, कोई इसमें गलती नहीं है. ओके नो मिस्टेक एट ऑल. इवन नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल करेक्ट है. यू कैन मैच योर आंसर विद दिस बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल करेक्ट है. पावर आगे जाएगी, एक पावर कम होगी और साथ में चेन रूल लगेगी. चलिए काव्या के देखते हैं. यस काव्या, ओके पावर आगे गई, एक पावर कम, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस. बिल्कुल करेक्ट है काव्या, 100% राइट. यस समृद्धि, और रिद्धि की समृद्धि है जो भी है, किसने ऑन किया था अभी, रिद्धि ने. यस रिद्धि 100% करेक्ट. यस काव्या रोल नंबर 26. लेट मी सी, दिखाइए बेटा. बिल्कुल करेक्ट है काव्या, बिल्कुल करेक्ट है. चलिए डू द नेक्स्ट बेटा. All of you just do the third part. Third part keep it up. Y is equal to e power x sin square x. जल्दी कीजिए बेटा, फटाफट कीजिए. क्या लगेगा यहां पर, कौन बताएगा मुझे? हिमांशु दीर, क्या करेंगे हिमांशु यहाँ पर? यहाँ पे मैम प्रोडक्ट रूल लगेगा. बिल्कुल करेक्ट है, प्रोडक्ट रूल लगेगा. वेरी गुड, तो अप्लाई कीजिए जल्दी का जल्दी. यस मैम, फर्स्ट सेकंड
फटाफट करके जल्दी सारे बच्चे करेंगे बेटा। ध्रुव ओके, जतिन डन, शो मी जतिन, वेट वेट वेट, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ, सेकंड आपने लिया प्लस, वेरी गुड जतिन, बिल्कुल करेक्ट है बेटा, 100% करेक्ट जतिन, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू मैच योर आंसर। चलो रिद्धि का देखते हैं, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और टू साइन एक्स कॉस एक्स, वेरी गुड। नाउ आई एम थिंकिंग कि आप लोगों को ये सब क्लियर हो गया है ना बेटा, सबको कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को भी, श्योर? देख लीजिए कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिए। ओके यस, वेट 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 बेटा, हाँ जी जपन, यस जपन बेटा, हाँ जी बताइए बेटा क्या प्रॉब्लम। मैम ये लास्ट वाला एक बार आप करवा दो। श्योर बेटा, देखो जपन ये स्टेटमेंट है, ये प्रोडक्ट रूल लगेगा तो वो वाई डैश, एक मिनट में वाई डैश क्या होगा मेरे पास, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यही मेरे पास बना। ठीक है अब देखो जतिन, e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x, अब इसका डेरिवेटिव, ठीक है साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव लेना, ये स्क्वायर का मतलब है ये सारे के बाहर टू है, यही होता है ना, पावर आगे जानी एक पावर कम हो गई तो वन आया, साइन x का डेरिवेटिव cos x प्लस फिर साइन स्क्वायर x, ठीक है और e पावर x का, e पावर x अगर होता ना साइन x स्क्वायर तो मैं लगाती बेटा साइन x का डेरिवेटिव cos x इंटू टू एक्स, ओके ये स्क्वायर बाहर है, मेन फंक्शन x है, इसको x लिया तो x का स्क्वायर पावर आगे एक पावर कम, समझ आ गई बेटा, एनी डाउट जपन नाउ, हाँ जी बेटा जपन एनी डाउट नाउ, क्लियर है बेटा, चले बेटा आगे, चलिए लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी क्या करोगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, लेट अस सी, मेरे पास तो गए चलिए डू इट फटाफट बेटा, डू दिस क्वेश्चन एंड शो मी ऑन द स्क्रीन। चलो काव्या बताएगी, यस काव्या बताइए बेटा। मैं मुझे डाउट था एक, ये आपने 2 tan x लिखा है या माइनस 2 tan x? 2 tan x बेटा, 2 tan x, जल्दी जल्दी बेटा करो सारे। यहां तक देखिए सबने किया, एवरीबॉडी हैज डन, कैसे इस पूरे को एक्स ट्रीट किया साइन एक्स, ओके तो डेरिवेटिव लिया साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, पर एक्स नहीं है, एक्स की जगह जो भी है उसका डेरिवेटिव, ठीक है बेटा एक्स की जगह पे जो भी है उसका डेरिवेटिव,
हो जाएगा बेटा। अब आगे इसका डेरिवेटिव मेरे पास जो है कॉस टू टेन एक्स लॉग एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव मेरे पास जो है क्या आएगा, चेन रूल लगेगी, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ टू टेन एक्स, क्या हो जाएगा मेरे पास टू सेकेंड स्क्वायर एक्स। ओके जी, बात समझ आ गई बेटा सबको, क्लियर टू एवरीवन, कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर किसी का भी। अब कुछ डेरिवेटिव में पूछना चाहते हो तो प्लीज आस्क, मैं अनम्यूट कर रही हूँ सबको, यू कैन आस्क मी।